करने वाले हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के एक मेथड को, ठीक है। मेथड का जो नाम है हमारे पास वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। कंसीडर हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी, राइट, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई, वो एक्स वाई का फंक्शन होगा। आपको क्या करना है, एक्स और वाई को अलग अलग करना है। डी वाई डिवाइड बाई में जी वाई इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट, फिर क्या करना है, इन्हें इंटीग्रेट करना है, राइट, बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आएगा, ये आएगा फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये आएगा साई सी प्लस दिस, वेयर इट इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आइए अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। थ्री ई एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर एक्स सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब आपने क्या करना है, अलग अलग करना है, तो अलग अलग कर लेते हैं हम इन्हें। थ्री ई एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस ई एक्स सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई, राइट। नाउ इसको इधर रखिए और चेंज कर दीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा थ्री ई एक्स अपॉन वन माइनस ई एक्स डी एक्स। अब मैं इसको इसके अपॉन में ले आई और यहाँ हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइड बाई टेंजेंट y। मैंने x के कोफिशियंट अलग कर दिए हैं और y के कोफिशियंट अलग कर दिए हैं, राइट। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दिस एंड दिस, राइट। इसको हम यहां कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। 3e की पावर x डिवाइड बाय 1 माइनस ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर y टेंजेंट y डी वाई, राइट। लेट पुट दिस t, सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, इसको t पुट कर दीजिए। लेट 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू t, माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, एंड पुट टेंजेंट वाई इज इक्वल टू जेड। नाउ सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई इज डी जेड, पुट कर दीजिए वैल्यू, हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन, थ्री इज अ कॉन्स्टेंट बाहर लिख दीजिए, ई एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का डी टी अपॉन में टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आ गई डी जेड अपॉन जेड, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, थ्री डी टी अपॉन टी की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी जेड हो जाएगा लॉग ऑफ जेड प्लस लॉग सी, लॉग सी इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, ये भी हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। नाउ थ्री लॉग वन माइनस सी की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग टेंजेंट वाई प्लस लॉग सी, ये आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन माइनस ई की पावर एक्स, पावर जाएगी ऊपर बिकॉज लॉग के आगे है, थ्री इज इक्वल टू द लॉग टेंजेंट वाई प्लस लॉग ऑफ सी, ये हमारे पास फाइनली आ गए, ठीक है। तो log 1 माइनस ई एक्स थ्री इज इक्वल टू एम प्लस एन log टेंजेंट y इंटू में c, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ई एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी इंटू में टेंजेंट y,
which is general solution. ये हमारे पास आया है इसका general solution. ठीक है, तो इस तरीके से method of separation of variable की help से आप क्या कर सकते हैं, solutions को find out कर सकते हैं, right? This is very simple. And इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको x और y के कोफिशिएंट अलग करने और सिंपली उन्हें इंटीग्रेट करना है, जिसके लिए आपको इंटीग्रेशन के नॉलेज होनी चाहिए. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर यूजफुल वीडियोस.